लीजिए लखनऊ की शुरुआत कर रहे हैं आइकॉनिक शर्मा जी की चाय से, और अभी हम लोग चाय पियेंगे। देखते हैं, ट्रैफिक बहुत है, आप लोगों को आवाज नहीं आएगा, आगे जाके दिखाता हूँ। तो ये शर्मा जी के यहाँ पे हम लोग हैं और इनका फेमस हमने लिया है बन मक्खन, और ये चाय है। और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं लखनऊ का मशहूर बड़ा इमाम बाड़ा, ये जस्ट एंट्रेंस है, और आगे चल के देखते हैं हम इसमें क्या क्या पाएंगे। भूल भुलैया, तालाब, सब कुछ है यहाँ पे। आप आएंगे, आपको रास्ते में बहुत सारे गाइड मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे 100 रुपये, कोई 200 रुपये में कुछ कुछ घुमा देंगे आपको, लेकिन आपको खुद अंदर आके देखना चाहिए। मैंने भी जस्ट अभी एंट्री ली है, और अभी हम देखते हैं यहाँ से कि क्या है, और मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा। और अब हमने टिकट ले लिया है और अंदर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। पीछे से भी आप देख सकते हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऐसे नहीं दिख पाएगा तो आप पीछे का ही व्यू देख लीजिए, और अंदर दिखाते हैं आपको क्या क्या है। और ये लखनऊ का खूबसूरत इमामबाड़ा, लखनऊ की भीड़। और अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं रूमी दरवाजा, इसमें फिलहाल काम चल ये अफसोस में रूमी दरवाजा आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा बसों से ब्लॉक हो रखा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि काम चल रहा है, तो हार्ड लक, लेकिन चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे। शायद यहाँ से अब मैं जाऊँगा रॉयल चाट, जो कि यहाँ की बहुत फेमस, वहाँ पे टोकरी बास्केट चाट मिलती है, नहीं तो फिर टुंडे कबाब, जहाँ भी जाते हैं अपडेट करते रहेंगे। अभी हमें फेमस बास्केट चाट रॉयल कैफे लखनऊ में, काफ़ी चर्चित यहाँ की है बास्केट चाट। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत वायरल। एक काका हैं जो कि बास्केट चाट बनाते हैं, वो अभी नहीं है, लेकिन बास्केट चाट का स्वाद शायद से मिले रहने वाला है। तो आइए चलते हैं और खाते हैं बास्केट चाट। च्यवनप्राश, ये और अब हमने शुक्ला चाट हाउस से ले ली है हमारी फेमस शुक्ला की चाट, और भीड़ आप ज़्यादा शूट में नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं यार कितनी भीड़ है, कितनी नॉइज़ है, और मैं प्रॉपर माइक नहीं यूज़ कर रहा था। एंड शुक्ला हाउस इज़ लाइक द मोस्ट आइकॉनिक चाट प्लेस यार इन लखनऊ, ये आप मिस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मटर चाट, आलू चाट, और सेम यार मैं उसके बाद गया टुंडे कबाब पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे भी मैंने ट्राई किए इनके फेमस टुंडे कबाब एंड गिलौटी कबाब एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।